हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल आर के भारत। तो दोस्तों, आज हम एक नया ट्रिक लेकर आए हैं पानी की खोज। जैसे अभी गर्मी चालू हो चुकी है और पानी की काफ़ी समस्या रहेगी, तो आज मैं ऐसी दो ट्रिक बताऊंगा जो अपने खेतों के ऊपर पानी का कैसे सर्च करते हैं। अगर आप बोरवेल लगाना चाहते हो या कुआं खोदाना चाहते हो, तो मैं पार्ट शायद चौथा पार्ट लेकर आ चुका हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं आज दूसरी ट्रिक बताऊंगा और किस तरह से हमें पानी की खोज करनी चाहिए अपने खेतों के चारों साइड में। हम कहां पर बोरिंग लगाना चाहते हैं हमें संतुष्टि के लिए, आज मैं दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। और मेरे पास ये इंची टेप भी है और इससे हम आज बताएंगे इसको माप कर कि हम हर 50 फीट पर 4 गड्ढे करेंगे और उसके बाद हम बताएंगे इसमें कैसा रिएक्शन आएगा अपने को पानी की खोज करेंगे। तो दोस्तों, हम चालू करते हैं। एक खड्डा हमने यहाँ पर कर दिया है और यहाँ से मैं 50 फीट मापता हूँ आगे, फिर मैं बताता हूँ आगे। तो दोस्तों, यहाँ पर 49 फीट और यहाँ पर ये 50 फीट हो चुका है और आप आके देखिए यहाँ पर। तो दोस्तों, ये इंची टेप देखिए, यहाँ पर हमने 50 फीट ले लिया है। इस जगह हम एक खड्डा और खोदेंगे। यहाँ पर ये देखिए 50 फीट हो चुका है और आपको मैं सिंपल आइडिया बताने वाला हूँ। सिंपल आइडिया से आप ऐसा बिल्कुल सर्च कर सकते हो अपने खेत के ऊपर। तो चलो, मैं अगला खड्डा खोदता हूँ और आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पर अगला खड्डा हम खोद रहे हैं 50 फीट पर और देखते हैं, फिर आज हम बताएंगे अलग तरह की ट्रिक जिससे आप समझ जाओगे अपने खेत पर किस तरह हमें बोरवेल कराना चाहिए। और गर्मी आ चुकी है। तो दोस्तों, अभी हमने सेकंड खड्डा खोद चुके हैं और यहाँ से 50 फीट की हमने ये इंची टेप से मापा है और अगला हम 50 फीट उधर मापेंगे और बताएंगे आपको। तो चलो दोस्तों, यहाँ पर मैं मापता हूँ 50 फीट। ये पत्थर रख देता हूँ ताकि ये इंची टेप हिले नहीं। तो यहाँ से 1 मिनट ये हिल चुका है, वापस इसको सही रखता हूँ और यहाँ से मैं शुरू करता हूँ 50 फीट अगला। 1 मिनट ये मुझे लकड़ी लेने दो साथ में। मेरे पास कुछ खोदने के लिए है तो नहीं है, लेकिन मैं ये एक आसान ट्रिक बताता हूँ जिससे आप अपने खेत पर आसानी से सर्च कर सकते हो अपने खेत के अंदर पानी है या नहीं। यहाँ पर 34 फीट हो चुका है। चलो चलो चलो, आ जाते हैं 44। तो यहाँ पर ये 50 फीट यहाँ पर हो चुका है। तो अगला तीसरा गड्ढा हम यहाँ पर खोदेंगे। तो दोस्तों, इस जगह थोड़ी जगह टाइट है, ये लकड़ी भी टूट रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर तीसरा गड्ढा खुद चुका है और अभी हम उस जगह जाते हैं जो लास्ट वाला गड्ढा करना है। यहाँ पर थोड़ी जगह टाइट भी है, खोदने में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि ज़मीन अभी सूखी पड़ी है, बारिश नहीं हुई है हिलाल फिलहाल, क्योंकि सर्दी चली गई है अभी और गर्मी का मौसम आ चुका है और काफ़ी पानी की दिक्कत रहती है। तो चलो, मैं अगला गड्ढा खोदता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अभी हमने यहाँ पर 4 गड्ढे कंप्लीट कर दिए हैं और आगे की जो है जर्नी स्टार्ट करते हैं। आगे का क्या कैसा काम रहेगा अभी हम स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं किस तरह हम पानी को सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 4 गड्ढे का मतलब हो गया जैसे अपने खेत के ऊपर चारों साइड, यानी अपने खेत के चारों साइड में देख लेने का अपने को कहाँ पर विश्वास है कि इस जगह पानी हो सकता है और हमें ऐसे सर्च कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ इसके अंदर अभी हम 4 मिट्टी के घड़े रखेंगे और बताएंगे कि किस तरह पानी का वो ये वर्क काम करेगा, जो हमारे साथ वो साधन है वो कैसे किस तरह ये वर्क करेगा और हमें बताएगा पानी है या नहीं। तो दोस्तों, आइए हम इसका ओपन खुलासा करते हैं इस जगह। तो चलो, मैं अभी यहाँ पर आ चुका हूँ और जहाँ पर हमने ये अपना इंची टेप यहाँ पर रख देते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने ये 4 मिट्टी के लेके आए हैं ऐसे कुछ, इसके अंदर हम
पानी भरेंगे और बताएंगे। और सबसे पहले मैं बता देता हूँ, हम दो के अंदर पानी भरेंगे और दो को हम खाली रखेंगे और ऐसे ही ऊपर मिट्टी डाल देंगे और उसके बाद देखते हैं कि आगे का क्या रिएक्शन रहेगा इस नारियल का और ये नारियल किस तरह काम करेगा, अगर पानी है या नहीं, यहाँ पर खड़ा हो सकता है या नहीं, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वाकई में ये सच बताता है या नहीं। और दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना, इसके लास्ट वाली मैं ट्रिक और बताऊँगा, उससे तो आपको सही 99% पानी होने की संभावना हो सकती है अपने खेतों के अंदर। बिल्कुल ये लास्ट वाली जो ट्रिक बताऊँगा मैं, ये वीडियो ये चारों के बाद एक लास्ट वाली ट्रिक बताऊंगा, आप देखना, इस वीडियो में आप बने रहना ताकि आप मिस नहीं कर सको आगे वाला क्या जानकारी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक ये मिट्टी का इसके अंदर डाल देता हूँ और ये पानी हम भरते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों ये वाला भर चुका है पानी के अंदर और इन तीनों को हम आगे लेकर चलते हैं और हम क्या करेंगे, दो के अंदर ही पानी भरेंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे वो वाले गड्ढे के ऊपर जहाँ पर मैंने 50 फीट पर गड्ढा किया था। तो यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम सूखा ही रख देते हैं ताकि हमें पता चलेगा ये नारियल ये सही काम करता है या नहीं। तो इसको हम सूखा रख देते हैं और फिर हम बाद में देखेंगे वहाँ पर नारियल खड़ा करके। तो हम अभी उस वाले गड्ढे में हम पानी भरेंगे। तो ये वाला 50 फीट पर अगला गड्ढा है, ये जैसे मैंने चारों 50-50 फीट पर दूर किए थे, इसका मतलब ये है कि मैंने इंची टेप से इस तरह मापा था ताकि अपना खेत चाहे कितना भी बड़ा हो, या तो मैंने एक इंस्ट्रूमेंट निकाला ऐसे अंदाज से बता रहा हूँ, 50 फीट पर चाहे कितना भी बड़ा गड्ढे, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जहाँ अच्छा लगे उस जगह आप बोरवेल करा सकते हो। तो दोस्तों इस जगह भी मैं पानी भर देता हूँ और फिर हम देखेंगे इसका क्या रिएक्शन रहेगा। तो ये भी पानी से फुल भर चुका है और ये बोतल का हमें अभी काम नहीं है, दो गड्ढे में हम पानी भरेंगे और दो में नहीं भरेंगे। एक मिनट, सेट कर दिया है अपनी अपनी जगह पर। आप समझ गए होंगे, दो के अंदर मैंने पानी भरा है और दो के अंदर हमने पानी नहीं भरा, सूखा रखा है, तो उससे हमें नारियल बता देगा कि यहाँ पर पानी है या नहीं। तो दोस्तों चलो हम चालू करते हैं इसको, हम क्या करते हैं पैक कर देते हैं, इस जगह पत्थर रख देते हैं। शुरुआत पहले हम यहीं से ही करते हैं, आप समझ गए होंगे, एक इस जगह पे पानी डाला हमने और एक वो वाले पॉइंट पर हमने पानी डाला और दो पॉइंट हमने सूखे रखे हैं। तो चलो दोस्तों हम शुरू करते हैं। ये मैं नारियल ले लेता हूँ और यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। ये नारियल मेरा आड़ा पड़ा है और इस जगह जाते हैं। अभी तो हाल फिलहाल में कुछ नहीं से हिल रहा है, वापस मैं पीछे जाता हूँ और फिर शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मुझे बहुत लोगों का कमेंट आता है कि तुम भाई अंगुली से करते हो, ऐसा मैं कुछ नहीं करता हूँ और मैं सीधा ही बताता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर नारियल किस तरह रिएक्ट कर रहा है और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर खड़ा हो चुका है और मैं वापस पीछे जाता हूँ। तो ये देखिए ऑटोमेटिक नारियल ऐसा हो रहा है। तो वापस उस जगह जाता हूँ मैं, ये देखिए, तो इस जगह हमारा ये नारियल खड़ा हो चुका है। तो चलो हम अगले गड्ढे पर जाते हैं और वहाँ पर क्या रिएक्ट रहता है इस नारियल का, तो हम देखते हैं। पूरा सूखा है और इसके ऊपर हम पत्थर रख देते हैं और अभी हम देखते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं, यहाँ से देखते हैं नारियल खड़ा होता है या नहीं। यहाँ तो हिल भी रहा है, बस इसका मतलब यहाँ पर कुछ संकेत थोड़े बहुत ही मिल रहे हैं हमें पानी के, तो ये एग्जैक्ट खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो अभी आप समझ गए होंगे इस जगह सूखी है तो सूखे में ये काम नहीं करता है। तो चलो हम वो वाले पॉइंट पर जाते हैं और वहाँ का देखते हैं कि किस तरह इस नारियल का रिएक्ट रहेगा और ये किस तरह हमें बताएगा। यहाँ पर मैं पत्थर रख देता हूँ और मिट्टी डाल देता हूँ चारों साइड में। तो चलो अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं किस तरह से, ये देखो ये ऑटोमेटिक, ये देख लो खड़ा हो गया। ये वापस मैं पीछे जाता हूँ, ये देखिए यहाँ से ऑटोमेटिक पानी के पास आके ये खड़ा हो रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे हाथ एकदम स्टेड हैं और ये देखिए, ये देखो ये ऑटोमेटिक ये ऐसे हिलने लगा है।
तो चलो हम आखिरी गड्ढे पर जाते हैं और उसके बाद हम सेकंड वाली ट्रिक बता दे, लास्ट वाली ट्रिक, इससे तो हमें पानी हो ही जाएगा। सूखा वाला है तो अभी देखते हैं, यहाँ पर भी शायद पानी है, इसका मतलब ज़मीन के नीचे। ये सूखा है तो भी देखो ये हिल रहा है, देखो ये देखो ऑटोमेटिक खड़ा हो चुका है। ये नारियल इसके नीचे, ये हमने मिट्टी का गड्ढा रखा था वहाँ पर सूखा है, लेकिन तो भी ये नारियल खड़ा हो चुका है। शायद इसके अंदर नीचे ज़मीन के नीचे शायद पानी है, इस तरह से ये हल्का सा हमें संकेत दे रहा है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे चारों पॉइंट जो हमने आपको फुल आसान तरीक़ा से हमने समझा दिया है आपको। तो चलो लास्ट ट्रिक हम बता देते हैं और उससे शायद मुझे 100% विश्वास है कि वो तो एक भगवान की देन ही है, जो उससे तो हमें बारिश हो ही जाएगी। तो चलो हम वो चारों वापस निकाल देते हैं और बता देते हैं लास्ट वाली ट्रिक। अभी मैं इन चारों के अंदर क्या करता हूँ, एक मिनट, यहाँ पर मुझे सेट नहीं खाएगा, वहाँ पर लेके चलते हैं और उधर हम ये लास्ट ट्रिक बता देते हैं। चलो भैया इधर आ जाइए, ये वाला इस जगह लगा देते हैं। मेरे पास वो आज मैं रस्सी नहीं लेके आया, लेकिन आप समझ जाओगे हमें आगे क्या करना है, आप खुद भी कर लेना। इसके अंदर हमने पानी भर दिया है और एक हम कहाँ पर रखते हैं जहाँ पर कोई इंसान ना आए, तो ये ट्रिक काम कर जाएगी। अगर इंसान आएगा तो वो ट्रिक कम काम करेगी। तो चलो एक हम यहाँ पर रख देते हैं और आप समझ जाओगे, इस जगह मैं रख देता हूँ और ये पानी थोड़ा इसके अंदर भी मैं भर लेता हूँ। ये दोस्तों काफ़ी अच्छी ट्रिक है, इसके अंदर भी मैंने पानी भर दिया है और ये ट्रिक दोस्तों आप जब भी आजमाओ तो यहाँ पर जो मैं कर रहा हूँ वहाँ जगह, उस जगह हमें कोई इंसान नहीं आने चाहिए, ताकि वो ट्रिक कम काम करती हैं। वो ट्रिक का मतलब मैं बता देता हूँ, ये देखिए इसके अंदर भी मैं पानी भर दिया है और ये आखिरी बचा है हमारे पास ये कुल्ला, इसके अंदर हम पानी भर देते हैं और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर भी हमने पानी भर दिया है और हमारे पास जो बोतल थी वो भी खाली हो चुकी है और ट्रिक आप समझ जाओगे। मैंने चारों के अंदर पानी भरा इस मिट्टी के घड़े के अंदर और इसका मतलब ये है, कोई पशु पक्षी अगर आके इसके अंदर पानी पिएगा और उनके मन को शांति मिलेगी और वो आपको दुआ देंगे कि भाई साहब ने अच्छा काम किया है और उसकी वजह से भी हमें बारिश हो जाएगी। दोस्तों ये दिल से मैं बोल रहा हूँ, अगर ये कोई भी पशु पक्षी अगर अपने खेत के अंदर ऐसे, मेरे पास रस्सी तो नहीं थी और ऐसे लेके छोटे छोटे मिट्टी के गड्ढे और हर पेड़ के ऊपर बांध दो और आप सवेरे 10-15 मिनट टाइम निकालो, अगर आप किसान हो तो 10-15 मिनट टाइम निकालो और उसके अंदर पानी भर दो। अगर तो क्यों ना, अभी गर्मी आ रही है तो पशु पक्षी बहुत प्यासे मरेंगे, तो वो पानी पिएंगे तो आपको दुआ देंगे, तो आपके खेतों के अंदर अच्छी फसल होंगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना, और आपके पास रस्सी है तो ऐसे बांध देना। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।